जेटली जी हमेशा हमारे बीच में थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने उन्होंने देश को जो दिया है और भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को जो दिया है, न देश उन्हें भूलेगा न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें भूलेंगे। एक आदर्श कार्यकर्ता, एक आदर्श जनप्रतिनिधि और एक आदर्श मंत्री, अर्थवेत्ता थे, विधिवेत्ता थे, तर्कशास्त्री थे और सतत अध्ययनशील बौद्धिक व्यक्तित्व के स्वामी थे। किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे। अर्थनीतियां बताते समय उन्होंने यह नहीं सोचा कि तात्कालिक रूप से हमें चुनावी लाभ होगा या नुकसान होगा। उन्होंने देश के हित में जो अच्छा लगा उन्होंने वो नीतियां बनाई। बहुत से लोग कभी कभी उनसे चिढ़ करके उनको अव्यवहारिक कह देते थे। वो असंदिग्ध निष्ठा के सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। हार की चिंता नहीं, जीत की चिंता नहीं, लाभ की चिंता नहीं, हानि की चिंता नहीं, यश और अपयश की चिंता नहीं। एक आदर्श देशभक्त जैसा जो होता है, जो देश के हित में काम करता है, जिसके सामने दृष्टि सिर्फ देश होती है, स्वर्गीय जेटली एक ऐसा महान व्यक्तित्व को तो उनका बहुत आशीर्वाद मिला है। पार्टी को कितना क्षति? ऐसे व्यक्ति बार बार नहीं बनते हैं। भगवान अपनी फैक्ट्री में से ऐसे उच्च कोटि के मानवों का निर्माण बार बार नहीं कर पाता। जेटली जैसे लोग दोहराए नहीं जा पाते हैं। हमारे पार्टी में सब बड़े बड़े लोग हैं और सब अपने अपनी जगह पर बहुत योग्य हैं, लेकिन जेटली एक कोहनूर हीरा थे। उनके वो अमूल्य थे, उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। आपसे मुलाकात भी उनकी हुई जी कई बार जी, कुछ उनके बातों को बताइए जो आपसे शेयर। मेरे पास तो बहुत अनुभव है उनके। मेरे अपने चुनाव में वो गोरखपुर आते थे तो मैं तो उनका निजी रूप से कृतज्ञ हूँ। और जब भी मैं उनसे मिला उन्होंने यही बताया कि तात्कालिक लाभ को छोड़ करके दीर्घकालिक लक्ष्य रखिए और सोच सकारात्मक रखिए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार मेडिकल काउंसिल बिल जो अभी बना है उसको लेकर के बहुत सारे चिकित्सकों के मन में कुछ संदेह होते थे। मेरी उनसे बात होने लगी और मैंने उस मेडिकल काउंसिल बिल का एक चिकित्सक के रूप में समर्थन किया। उन्होंने कहा देखो दृष्टि होती है,